गाइस कहते हैं ना, अगर साल की शुरुआत अच्छी जाए तो पूरा साल ही अच्छा जाता है। तो फाइनली जैन 2024 की सेल रिपोर्ट आ गई है एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस ब्रांड ने कैसा परफॉर्म किया है एंड ऐसी कौन सी 10 कारें रही हैं जिन्होंने टॉप 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट में जगह बनाई है। तो गाइस अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, बिकॉज ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए बनाते रहते हैं। तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं नंबर 10 पोजीशन की। तो नंबर 10 पोजीशन पे जो कार रही है वो रही है क्रेटा। एंड क्रेटा की अगर मैं सेल्स की बात करूं तो इन्होंने जनवरी मंथ में 11,814 कार सेल की है एंड वहीं इसको अगर मैं इनके लास्ट मंथ से कंपेयर करूं दिसंबर की सेल से तो दिसंबर में इन्होंने 9,243 कार सेल की थी। तो जैसे ही होंडा क्रेटा का फेसलिफ्ट आया है, लोगों ने इस कार में अपना इंटरेस्ट दिखाया है एंड लोग इस कार को बुक कर रहे हैं धीरे धीरे एंड काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है इस कार को, लोगों को काफी पसंद भी आ रही है ये कार एंड धीरे धीरे होप कि ये कार और इस लिस्ट में आगे जगह बनाएगी और आपको सेल्स के मामले में होंडा क्रेटा की और ज्यादा यूनिट सेल होती हुई दिखाएगी देगी अपने अपकमिंग मंथ्स में। तो गाइस अब बात करते हैं नंबर 9 पोजीशन की। तो नंबर 9 पोजीशन पे जो कार है ये वो है महिंद्रा की तरफ से स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो ने जनवरी में 12,185 यूनिट सेल कही है एंड वहीं इसको कंपेयर करूं इनकी दिसंबर मंथ की सेल्स तो दिसंबर में इन्होंने 11,355 यूनिट सेल की थी। तो स्कॉर्पियो एन की जो सेल्स है वो अराउंड इतनी ही ये कार्स मंथली बेसिस पे सेल्स करती आ रही हैं एंड ज्यादा आपको डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेगा इनकी सेल्स पे। सो बात करते हैं अपने 8 पोजीशन की कार की। तो 8 पोजीशन पे जो कार आती है वो आती है मारुति की तरफ से, मारुति अर्टिगा। एंड मारुति अर्टिगा की अगर मैं सेल्स की बात करूं तो मारुति अर्टिगा ने जनवरी मंथ में 12,857 यूनिट सेल करी है एंड वहीं इसको इसमें कंपेयर करूं इसके लास्ट मंथ की सेल से तो लास्ट मंथ इन्होंने 12,975 यूनिट सेल की थी। गाइस मारुति अर्टिगा एक ऐसी कार है ना जिसको कॉमर्शियली भी काफी यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स फ्यूल एफिशिएंसी, काफी फ्यूल एफिशिएंट कार है ये एंड काफी टाइम से ये कार ये टॉप 10 की जो लिस्ट है इसमें जगह बनाती हुई आई है एंड मेरे को लगता है कि ये आने वाले टाइम में भी इसकी जो जगह है वो पक्की रहेगी इस टॉप 10 लिस्ट में। सो गाइस अब बात करते हैं नंबर 7 पोजीशन की कार्स की। तो नंबर 7 पोजीशन पे जो कार आई है वो आती है मारुति की तरफ से, मारुति बलेनो। मारुति बलेनो की अगर मैं सेल्स की बात करूं तो मारुति बलेनो ने जनवरी मंथ में 12,961 यूनिट सेल की थी एंड वही अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसकी लास्ट मंथ दिसंबर 2023 की सेल से तो दिसंबर 2023 में जो कार सेल की थी वो थी 10,669 यूनिट। तो मारुति बलेनो जो है ना यार, ये हैचबैक सेगमेंट की एक बढ़िया कारों में से एक आती है, इसीलिए ये कार हमेशा कामयाब होती है टॉप 10 सेलिंग कार की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में। सो गाइस बात करते हैं नंबर 6 पोजीशन की कार की। तो नंबर 6 पोजीशन पे जो कार आती है वो अगेन मारुति की तरफ से आती है, वो है मारुति ब्रेजा। मारुति ब्रेजा की अगर मैं सेल्स की बात करूं तो मारुति ब्रेजा ने जनवरी मंथ में 13,393 यूनिट सेल की है और अगर वही इसमें इसको कंपेयर करूं इसकी दिसंबर मंथ की सेल से यानी कि इसकी लास्ट मंथ की सेल से तो लास्ट मंथ में जो उन्होंने कार सेल की थी वो थी 12,844 यूनिट। तो थोड़ा बहुत सेल के टर्म्स में आपको ग्रोथ देखने को मिला होगा दिसंबर और जनवरी में एंड जनवरी में नॉर्मली आपको हर कार की सेल्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा बिकॉज दिसंबर एक ऐसा महीना होता है जिसमें लोग कम कार परचेस करते हैं बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट चेंज हो जाती है नेक्स्ट ईयर। तो दिसंबर में थोड़ी जो सेल्स है वो थोड़ा सा डाउन रहता है। नॉर्मली आपको जनवरी मंथ में हर कार की सेल्स में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। सो मारुति ब्रेजा कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट कारों में से एक है एंड काफी लंबे टाइम से ये कार बहुत अच्छा परफॉर्म करती आ रही है इंडियन मार्केट में एंड कहीं ना कहीं लोगों का बहुत ज्यादा ट्रस्ट बन चुका है इस कार की तरफ से, जो कि हमेशा इसकी सेल्स को आपको देखेगा कि इसकी सेल्स बढ़ती हुई ना आपको नजर आएगी। तो ये एक ट्रस्ट है जो इसने बिल्ड किया है लोगों के मन में, इसीलिए आपको मारुति ब्रेजा हमेशा टॉप 10 लिस्ट में जरूर मिलेगी। सो बात करते हैं अपने नेक्स्ट कार की एंड अब बात करेंगे हम नंबर 5 पोजीशन की कार की। तो नंबर 5 पोजीशन में जो कार आई है वो आती है टाटा की तरफ से। अगर आप लोग गेस कर सकते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नंबर 5 पोजीशन में जो कार है गाइज वो है टाटा पंच एंड टाटा पंच की अगर मैं सेल्स की बात करूं तो टाटा पंच ने जनवरी मंथ में 14,383 यूनिट सेल की है एंड अगर वहीं इसको कंपेयर करूं इसके लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर से तो दिसंबर में जो उन्होंने कार सेल की थी वो थी 13,787। पंच ना टाटा की तरफ से टाटा की टॉप सेलिंग कार में से एक है एंड ये कार ना मैंने जब से इसको मैं देखता आ रहा हूं ये बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। जब से ये कार लॉन्च हुई है तब से मैं इसको कंटिन्यूअसली इस कार की 10,000 प्लस यूनिट सेल होते हुए देखता आ रहा हूं। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ये कार इतना सेल करती है जो कि काफी अच्छा फिगर है एंड इसीलिए ये कार नेक्सॉन और पंच एक ऐसी कार है टाटा की तरफ से जो काफी ज्यादा सेल होती है एंड
सेल्स के मामले में बात करूं तो ये कार हमेशा, मैंने इसको देखा है कि ये कार टॉप 10 की लिस्ट में हमेशा अपनी जगह बनाती है। एंड अगर आप मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में देख रहे हो तो ये कार एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी हो सकती है आपके लिए। सो गाइस, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कार की। एंड अब बात करते हैं नंबर 4 पोजीशन की कार की। सो नंबर 4 पोजीशन पे जो कार आई है वो आई है अगेन टाटा की तरफ से। जी हाँ, टाटा नेक्सॉन की बात मैं कर रहा हूँ। तो टाटा नेक्सॉन को नंबर 4 पोजीशन मिली है। एंड टाटा नेक्सॉन के अगर सेल्स की बात करूं तो टाटा नेक्सॉन ने जनवरी मंथ में 14,913 यूनिट सेल करी है। अगर वहीं इसको कंपेयर करूं इनकी लास्ट मंथ की सेल दिसंबर से, तो लास्ट मंथ जो इनकी सेल हुई थी वो हुई थी 15,284 यूनिट्स। तो थोड़े बहुत यूनिट्स का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मेजर डिफरेंसेस है। एंड आई होप कि ये जो आप डिफरेंस देख रहे हो ये आने वाले महीने में नेक्सॉन कवर करेगी। एंड आई होप ये आगे वाले महीनों में 15,000 प्लस की सेल भी अचीव करेगी। सो जैसे मैंने पहले भी बताया, पंच एंड नेक्सॉन टाटा की टॉप मोस्ट सेलिंग कार्स में से एक है। एंड नेक्सॉन भी हमेशा, जब से ये कार लॉन्च हुई है तब से इसने इंडियन कंज्यूमर के माइंड में एक बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप कर दिया है अपने लिए। लोग काफी ज्यादा इस कार की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ इट सेफ्टी जो ये प्रोवाइड करती है। अब जो इनका फेसलिफ्ट आया है, लुक भी काफी अच्छे हो गए हैं कार में, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो इसकी डिमांड थी वो पहले से ज्यादा बढ़ी है। एंड वी होप कि आने वाले टाइम में भी ये कार अपनी इतनी डिमांड बना के रखेगी इंडियन मार्केट में। सो गाइज, अब बात करते हैं नंबर 3 पोजीशन की कार की। तो नंबर 3 पोजीशन पे जो कार आती है वो है मारुति की तरफ से, मारुति स्विफ्ट। एंड मारुति स्विफ्ट की अगर मैं सेल की बात करूं तो मारुति स्विफ्ट ने जनवरी मंथ में 15,311 यूनिट सेल करी है। अगर वहीं इसको कंपेयर करूं इसकी लास्ट मंथ दिसंबर की सेल से, तो दिसंबर में जो उन्होंने यूनिट सेल की थी वो थी 11,843 यूनिट्स। तो कहीं ना कहीं स्विफ्ट एक ऐसी कार है गाइस जो हैचबैक सेगमेंट में काफी लंबे टाइम से बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रही है। एंड स्विफ्ट मारुति की कुछ ऐसी गिनी चुनी कारों में से एक है जिन्होंने सेल्स के मामले में कभी मारुति को डिसअपॉइंट नहीं किया है। अगर आप एक कम बजट रेंज में कार ढूंढ रहे हो तो हमेशा लोग स्विफ्ट को प्रेफर करते हैं लेना बिकॉज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। काफी पैपी इंजन आपको इसमें देखने को मिलता है। एंड लुक वाइज भी ये कार इतने टाइम से चलती आ रही है बट फिर भी लोग इसके लुक से बोर नहीं हुए। एंड अभी भी कई लोग अगर लिमिटेड बजट में एक अच्छे हैचबैक देख रहे होते हैं तो वो हमेशा स्विफ्ट की तरफ जाते हैं। सो गाइज, अब बात करते हैं अपने नंबर 2 पोजीशन की कार की। तो नंबर 2 पोजीशन पे जो कार आती है वो अगेन मारुति की तरफ से आती है, वो है मारुति डिजायर। एंड मारुति डिजायर की अगर मैं सेल्स की बात करूं तो मारुति डिजायर ने जनवरी मंथ में 15,965 यूनिट सेल करी है। एंड अगर कंपेयर करूं लास्ट मंथ दिसंबर से, तो दिसंबर में इन्होंने 14,012 यूनिट सेल की थी। तो डिजायर अगेन अर्टिगा की तरह ज्यादा कॉमर्शियली यूज की जाती है बिकॉज ऑफ इट्स अगेन फ्यूल एफिशिएंसी, काफी फ्यूल एफिशिएंट कार होती है। मारुति की ऑलमोस्ट जितनी भी कार आपको मिलेंगी सारी फ्यूल एफिशिएंट कार मिलेंगी। एंड डिजायर को भी कॉमर्शियली ज्यादा यूज किया जाता है। एंड इसकी सेल्स भी आपको हर महीने बहुत कंसिस्टेंट दिखाई देगी, इसीलिए ये कार हर महीने टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह जरूर बनाती है। सो गाइस, अब फाइनली बात करते हैं अपनी लिस्ट की नंबर 1 कार की। तो नंबर 1 कार जो इस जनवरी मंथ में नहीं है, जिसने सबसे ज्यादा यूनिट सेल की है, वो अगेन मारुति की तरफ से आती है। एंड वो आती है मारुति वैगनार। जी हाँ, मारुति वैगनार की अगर मैं जनवरी मंथ की सेल की बात करूं तो मारुति वैगनार ने जनवरी मंथ में 16,567 यूनिट सेल की थी। एंड अगर वहीं इसको कंपेयर करूं इनकी दिसंबर मंथ सेल से, तो दिसंबर में इन्होंने 8,578 यूनिट सेल की थी। तो मारुति वैगनार की बात करूं ना यार, मारुति वैगनार एक तो बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार है। एंड जिस बजट रेंज में ये कार आती है, एक लिमिटेड बजट रेंज में, बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ये निकल के आती है। बहुत चीजें ऑफरिंग की जाती है इसमें आपको, एक बॉक्सी डिजाइन के साथ आती है जो कि आजकल लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। एंड अगर आप एक लिमिटेड बजट में कार ढूंढ रहे हो तो एक अच्छा ऑप्शन भी है मारुति वैगनार आपके लिए। एंड इसके साथ ये कार आपको सीएनजी एंड पेट्रोल फ्यूल ऑप्शन के साथ मिलती है। एंड बहुत ही ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार भी है ये। एंड वैगनार मारुति की उन कारों में से एक है जिन्होंने हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म किया इंडियन मार्केट में। सो गाइस, ये तो रही इस महीने की टॉप 10 कार्स। आप मुझे लिस्ट में बताइए कि आपको क्या लगता है इन कारों के बारे में। एंड आपको क्या लगता है कि कौन सी कार की सेल आपको लगता है कि ज्यादा होनी चाहिए बट वो अभी अंडर परफॉर्म कर रही है, प्लीज अपने राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।